नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम गोयल और आप देख रहे हैं मेरे चैनल शिवम गोयल मैड। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं सी एस और सी एम ए वाले बच्चों की। ठीक है, अभी सी ए वाले बच्चों के एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं, तो सी एस और सी एम ए वाले बच्चे अभी कन्फ्यूज़न में है कि हमारे एग्ज़ाम अभी जो शेड्यूल्ड है यानी कि आपके अगस्त में और सेप्टेम्बर में होंगे कि या नहीं होंगे। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर हम फुल एनालिसिस करेंगे। अगर होंगे तो हमें क्या करना है, अगर नहीं होंगे तो क्या होगा, तो क्या कैसे प्रिपरेशन करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी ये मेनली जो वीडियो है ये सी एस और सी एम ए वाले बच्चों के लिए फोकस्ड है। ठीक है, चलो अभी बात करते हैं अभी एग्ज़ाम से हमारे, या तो होंगे या नहीं होंगे, दो कंडीशन है, इसके अलावा बीच में तो कुछ है नहीं। क्योंकि अगर अभी एग्ज़ाम पोस्टपोन तो नहीं होंगे, अगर ये वाले जो शेड्यूल टाइम है अगर इसमें नहीं हुए तो इसके बाद में ये कैंसिल होके जो आपका नेक्स्ट अटैम्प्ट बैठेगा उसमें मर्ज हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलो डिस्कस कर लेते हैं। अगर एग्ज़ाम होते हैं, सबसे पहले कंडीशन ये रखते हैं कि हम ये पॉजिटिव होकर चलते हैं कि हमारे एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, सी एस वाले बच्चों की बात करते हैं, 18 अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट है और आज आपकी डेट हो गई लगभग 11, लगभग आपके पास एक महीना अप्रोक्स आपके पास है। ठीक है दोस्तों, आप ये मान के चलो, पॉजिटिव सोचो कि एग्ज़ाम होंगे, आप निगेटिव नहीं हो कि एग्ज़ाम होंगे। आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन की हुई है, इतना टाइम से कर रहे हो, जून से एग्ज़ाम शिफ्ट हो के आपके अगस्त में आ चुके। ठीक है, आप ये मान के चलोगे आपके एग्ज़ाम होंगे और एक महीना आपके पास है, तो आप इस टाइम पे क्या करोगे? आप किसी नोटिफिकेशन का वेट करोगे कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए या कुछ हो जाए, क्या करोगे आप? आप खुद सोच के देखो, अगर आपको पता है कि मेरे एक महीने बाद एग्ज़ाम है तो आप क्या करोगे? आप सिंपली मेहनत करो, पढ़ाई करो, दिल खोल के मेहनत करो। और ये जो आपने इतने टाइम से मेहनत चल रही है, इतने टाइम से आपने सेक्रीफाइस किए हुए हैं, उस चीज़ को आप वेस्ट मत होने दो। आप ये मान के चलो कि एग्ज़ाम होंगे, अगर आप ये मेरी बात मानते हो, क्योंकि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक तो आपको यही मानना चाहिए ना कि एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले चीज़ यही मान के चलो, पूरा दिल लगा के मेहनत करो, इतनी मेहनत करो। सिर्फ मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ कि आपको अगर अभी नहीं करनी तो ये आपको थोड़ा डाउट ये है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो सकते हैं, ये मेरे को नहीं सबको लग रहा है कि हो सकते हैं, लेकिन कन्फर्म तो नहीं है। क्या पता सिचुएशन ठीक हो जाए आने वाले एक हफ्ते में, 10 दिन में, एक महीने के अंदर कुछ सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, आपके जो नंबर ऑफ केसेस है कोरोना के वो कम हो जाए, तो क्या होगा? एग्ज़ाम फिर वो कंडक्ट कराएंगे, वो क्यों उसको डिले करेंगे? ठीक है, इसलिए जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता आप ये मान के चलो कि हमारे एग्ज़ाम है, और आप दिल खोल के मेहनत करो जितनी आप मेहनत कर सकते हो। ठीक है, पक्का मेहनत करो और अच्छे से पढ़ाई करो। चलो अब दूसरी कंडीशन आती है, आपके एग्ज़ाम नहीं है, उस कंडीशन में क्या होगा? आपके एग्ज़ाम कब होंगे? आपके एग्ज़ाम जाएंगे दिसंबर में। ठीक है, क्योंकि पोस्टपोन तो नहीं होंगे अब कि अगस्त के बाद सितंबर या अक्टूबर मिलेंगे, नहीं, अगस्त के बाद अगर कैंसिल होते तो आपके डेफिनेटली दिसंबर में जाएंगे। ठीक है, तो उसमें आपका कितना टाइम है? अप्रोक्स 5 मंथ्स, यही तो है ना, आपके अब 5 महीने बचेंगे। अभी अगर आपके हो जाते तो 1 महीना आपके पास प्रिपरेशन के लिए, जब होंगे 5 महीने, उस सिचुएशन में क्या करना है? उस सिचुएशन में हम लापरवाह हो जाएंगे? नहीं, कभी भी नहीं होंगे लापरवाह। लापरवाह क्यों होना है? मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। अगर आपके एग्ज़ाम डिले भी होते तो आज क्या करना है आपको? अगर आपके एग्ज़ाम दिसंबर में भी शिफ्ट हो जाते हैं तो आपको, अगर आप एक ग्रुप की तैयारी कर रहे हो तो आपको 2 की करनी है, अगर आप 2 की कर रहे हो तो आपको 2 की इस लेवल की तैयारी करनी है कि आप 1 ही अटैम्प्ट में क्लियर करके छुट्टी करो। आप एग्जीक्यूटिव में हो तो आप सीधे प्रोफेशनल में आने के लिए सोचो कि मैं अगर एक ग्रुप की प्रिपरेशन करूँगा तो मैं दिन रात मेहनत करके 2 की करूँगा, और 2 की जो कर रहे हैं ना तो एक बार एग्ज़ाम देने के बाद कन्फर्म होता है क्या कि पास हो जाओगे? तो आपके पास इतना एक्स्ट्रा टाइम जो मिला है वो उसमें कन्फर्म कर सकते हो 4 से 5 रिविज़न करने के बाद कि मैं श्योरली 100% मैं पास हो जाऊँगा। ठीक है, ये बात प्रोफेशनल वाले बच्चों की। प्रोफेशनल वाले बच्चों को तो ज़्यादा मोटिवेट होने की ज़रूरत है, अगर उनके एग्ज़ाम डिले भी हो जाते हैं, सपोज अगर कोई एक ग्रुप की कर रहा था वो 2 की 3 की करेगा, 2 की भी नहीं करेगा, वो 3 की 3 की करो, दिल खोल के पढ़ाई करो और 1 अटैम्प्ट में दिसंबर में डायरेक्टली CS बन के निकलो। इससे बड़ा मोटिवेशन क्या होगा एक प्रोफेशनल वाले बच्चे के लिए? अब फिर आती है बात कि हमारा तो 1 ही ग्रुप बचा हुआ है, हम क्या करें? हमारा 1 ही ग्रुप बचा हुआ है प्रोफेशनल का और हम तो CS बनने से डिले हो रहे हैं। भाई कोई जब अच्छी चीज़ मिलती है ना लाइफ में, उसके लिए भगवान तुम्हें वेट करा रहा है। तो आप इस पीरियड में क्या करोगे कि मैं मानता हूँ कि आप पूरा दिन नहीं पढ़ सकते, आपको 1 ग्रुप बचा हुआ है, आपको क्या करना है? आपको अपने स्किल इम्प्रूवमेंट करना है। स्किल इम्प्रूवमेंट में क्या आएगा मैं बताता हूँ आपको, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा अगर आप मुझे कमेंट में पूछोगे तो। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताऊँगा प्रोफेशनल वाले बच्चे जिनका 1 ग्रुप बचा हुआ है सिर्फ,
जो सीएस बनने के लिए एक या दो पेपर से बचे हैं उनको क्या करना है, उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं। चलो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।